की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शिवसेना का मोर्चा, नई मुंबई में कोकड़ आयुक्त को मिलकर सौंपा ज्ञापन। पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना ने नई मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ बैलगाड़ी मोर्चा निकाल आक्रोश व्यक्त किया। कोकड़ भवन के बाहर यह मोर्चा निकाला गया। सैकड़ों की तादाद में शिवसैनिक इस मोर्चे में शामिल हुए। पिछले 8 माह से बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई के दामों से सर्वसामान्य लोगों का आक्रोश मोर्चा शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे के नेतृत्व में निकाला गया। शिवसेना ने जिला प्रमुख विठल मोरे के नेतृत्व में मोर्चा निकालकर कोकड़ आयुक्त एबी मिसाल को ज्ञापन सौंपा। यहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए लीटर के करीब पहुंच चुकी हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने बजट में पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए किसी भी तरह के प्रावधान नहीं किए हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिले। वहीं शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने दे रही है जिससे जनता परेशान हो चुकी है। सरकार लोगों को राहत देने की बजाय ईंधन की कीमतें बढ़ाकर उन पर और बोझ लाद रही है, जो सरासर अन्याय है। केंद्र सरकार का जो अर्थसंकल्प यहाँ पर सादर हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे गौर से तो इसके पहले जो अर्थसंकल्प आते थे और आज का अर्थसंकल्प सादर हुआ है उससे ये पूरा एक नाराजगी का माहौल है और इसे ये लगता है कि आम आदमी जीना बहुत ही मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।